कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बाद बिहार में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव में मास्क वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बिहार के साथ देश में कोरोना के उभरते खतरे को देख पंचायत चुनाव में मास्क की एंट्री हो गई है। इस बात को सुनकर आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मसला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, बिल्कुल नए रूप नए अंदाज में, और मैं हूं आपके साथ मैत्री। बिहार में लंबे समय से चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान नेताओं के साथ गांव जवार के लोग कोरोना और उसके प्रोटोकॉल को लगभग भुला दिए हैं। चुनाव को लेकर भीड़भाड़ की तस्वीरें आम हो गई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने मास्क पर भी सियासत शुरू कर दी है। तो बात यह है कि इस बार मास्क पर जो चुनावी प्रचार है वो प्रत्याशी कर रहे हैं। इस मामले पर नेताओं का कहना है कि वो पूरी सावधानी के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बिहार के बेलसर के सुरहत्था में मुखिया प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए अपने ही नाम के मास्क के साथ चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र राय ने अपने चुनावी छाप वाला मास्क बनवाया और पंचायत में घूम घूम कर लोगों से कोरोना से सावधान रहने की अपील करते दिख रहे हैं। चुनावी मौसम में मास्क वाली पॉलिटिक्स करने वाले प्रत्याशी से जब हम इस इंतजाम पर सवाल किए तो देखिए इस जुगाड़ू प्रत्याशी ने क्या कहा। अरे, इसके पीछे जनता की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए फिर से कोरोना का संक्रमण हो रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले जनता की ना सुरक्षा चाहिए, उसके बाद तो चुनाव है, प्रचार है। मैं मास्क भी दे रहा हूँ ताकि सुरक्षा मिले जनता को, और अपना प्रचार भी कर रहा हूँ। देश भर में कोरोना के खतरे की तस्वीरों के बीच बिहार के पंचायतों में मास्क और सावधानी की एंट्री देखने को मिली है। चुनावी प्रत्याशी ने बदलते हालात के बीच मास्क वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। ज्यादातर प्रत्याशी जहां पोस्टर बैनर लेकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं, वहीं कई प्रत्याशियों ने कोरोना प्रोटोकॉल को चुनावी औजार बना लिया है। कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की लगातार अपील के बीच कई प्रत्याशी मास्क पर अपना चुनावी प्रचार छपवा कर गाँव जवार में घूमते नजर आ रहे हैं। मास्क वाली अपनी डिप्लोमेसी से गाँव घूम घूम कर अपनी जीत का माहौल बनाने में जुटते दिख रहे हैं। सर, अभी कोरोना का समय है, फिर एक नया वेरिएंट आया है, तो इससे अभी कोरोना का तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए अभी सुरक्षा जरूरी है। एक हमारे प्रत्याशी है सुरक्षा पंचायत से, उन्होंने मास्क दिया रास्ते में, बाजार से आ रहे थे। मास्क की पॉलिटिक्स कर रहे इस प्रत्याशी के इस अनूठे प्रचार से इनकी चुनावी जीत पक्की हो ना हो, लेकिन ग्रामीण इस प्रत्याशी के दिए हुए मास्क पहनकर खुश है। ऐसे में सवाल यही बन रहा है कि ये मास्क वाली पॉलिटिक्स सफल होगी या नहीं। आप देख रहे थे संदीप आनंद की रिपोर्ट हाजीपुर से। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए रूप नए अंदाज में। तो बिहार तक का ये लुक आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।